The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, dosto main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो है एयर कंडीशनर. जी हाँ, आपके घर में जो एसी एयर कंडीशनिंग लगी हुई है उससे आपके अस्थमा पे, आपके एलर्जीज पे क्या असर पड़ता है. किसी भी प्रकार की आपको अस्थमी एलर्जी हो सकती है. तो एक राइनाइटिस, नाक बंद होना एलर्जी होती है, अस्थमा नहीं होता. वो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जिक फेरेंजाइटिस हो सकता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और एस्थमा इज अगेन अ ब्रोंकोस्पाज्म, वो होता है अगेन एलर्जी. सो बात आ रही है, सारी चीजें हैं एलर्जी, तो एलर्जन के वजह से. तो एयर कंडीशनर इसको अच्छा है, बुरा है, एलर्जी बढ़ाएगा, कम करेगा, अस्थमा ठीक करेगा, या क्या करेगा, आपको क्या लगता है? पहले आप ऐसा करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है और फिर आगे बढ़िए. पॉज कर दीजिए वीडियो और कमेंट करिए और फिर आगे बढ़िए और फिर देखिए कि भैया आपका सवाल सही, आपका जवाब सही है गलत है. सिंपल, ओके. सो एयर कंडीशनर जो है वो है, वो वैसे तो गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. वो आपके घर के अंदर की हवा को ठंडा भी रखते हैं, रिफ्रेशिंग भी रखते हैं, कंफर्टेबल भी रखते हैं. और भाई साहब, जान के आपको आश्चर्य होगा कि अस्थमा में वो मदद करते हैं. जी नहीं, वो अस्थमा में खराब नहीं है. वो अस्थमा में आपके ट्रिगर को नहीं बढ़ाते, एलर्जी को नहीं बढ़ाते, वो अस्थमा में हेल्प करते हैं. देयर इज एविडेंस दैट इट कैन हेल्प इम्प्रूव अस्थमा. और क्यों ऐसा? क्योंकि पहली बात तो सीधा सीधा है, कई सिंपल सा ऑप्शन हम आपको दे देंगे कैसे वो आपके क्या क्या करते हैं, वो सारा बताते हैं हम. और पहले आपको समझना पड़ेगा, पहला सवाल है, क्योंकि एस्थमा या एलर्जीज होते हैं ट्रिगर से, एयरबॉर्न ट्रिगर से, धूल से, मिट्टी से, बाहर से आने वाले पोलन ग्रेन से. और एसी के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पूरा घर सील होता है, बंद होता है, वहाँ बाहर से आने वाली हवा नहीं होती, अंदर से आती है. अगर एयर एसी में एयर फिल्टर नहीं भी लगा हो तो भी घर बंद होता है तो पोलन ग्रेन्स और वो सारी चीज़ें, एलर्जिक चीज़ें कम आती हैं. उसमें अगर एसी में आपके एयर फिल्टर भी लगा हुआ है तो फिल्टर भी ओके आएगी. तो एसी एयर कंडीशन पे जब एयरबॉर्न ट्रिगर्स को देखेंगे तो इट डज रिड्यूस एयरबॉर्न ट्रिगर्स, उस पर स्टडी भी हुई है. इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ पोल्यूशन, ट्रैफिक पोल्यूशन ऑन चिल्ड्रन विद एस्थमा. घर के बाहर से रोड है, घर के बाहर ये है, धूल है, मिट्टी है, वट एवर इट इज, इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ दैट ट्रैफिक एंड पोल्यूशन ऑन योर चिल्ड्रन. ये स्टडी हुई है 2011 में, तो ये आपको बता सकती है कि भैया ये नॉन एलर्जिक एस्थमा ट्रिगर्स या इवन एस्थमा ट्रिगर जैसे कि डस्ट माइट, एनिमल डेंगर, पोलन, मोल्ड, और नॉन एलर्जिक एस्थमा ट्रिगर जैसे कि स्मोक हो गया, सिगरेट हो गए, एयर पोल्यूशन, धूल मिट्टी, ट्रैफिक, इसमें हेल्प करती है. राइट. सो एस्थमा में एसी जो है इट डज इट इज बेटर. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एसी की रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए. अगर कोई एसी की सर्विसिंग नहीं करता और एसी में ही कोई मोल्ड्स या कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ग्रो करने लग जाती हैं, एसी में धूल मिट्टियां जमा हो जाती हैं, एसी गंदी हो जाती है, तो फिर आपको वो एलर्जी बढ़ा सकता है. ओके. सो एयर कंडीशन आर नॉट इफेक्टिव इफ द फिल्टर इज नॉट रिप्लेस्ड और मेंटेन. सो वो बहुत ज़रूरी है, उसकी हीटिंग कूलिंग वो सही रहनी चाहिए, उसके अंदर जो फिल्टर है उसको रेगुलरली साफ करना चाहिए. इसलिए एसी में लाल बत्ती होती है, भाई बदलो बदलो बदलो, हमारे वाले में तो है, ठीक है. और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें मोल्ड्स वोल्ड्स ना आ जाए, यानी फंगस ना लग जाए. एसी में फंगस लगेगा तो फिर वो आपका एलर्जी बढ़ाए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली क्लीन योर एसी एंड उसकी सर्विसिंग आप ज़रूर 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 कराएं, ठीक है. और थर्ड चीज़, How AC is creates a better environment for breathing than the environment, than the proper environment, kind of, मतलब better environment. So yes they do. उसमें क्या है, एक तो वो airborne filters को, triggers को reduce कर रहे हैं. दूसरा क्या है, जो गर्म हवा होती है, hot air, ठीक है, जितनी घर में होती हैं वो
उतना पानी को होल्ड कर सकती हैं. हॉटर द एयर द मोर वाटर इट होल्ड. सो ड्यूरिंग द यू नो जब समर का डे होता है हीट एंड ह्यूमिडिटी जो होती है वो दोनों मिलके एस्थमा के ट्रिगर्स ज़्यादा हो जाते हैं. और इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि हॉट स्टिकी एयर जो होती हैं वो थिक फील होती है, वो इनहेल करने को भी हार्ड होती है, वो अपने आप में एक अस्थमा का ट्रिगर है. और उसमें ब्रीदिंग ग्राउंड जो है वो अपने आप में एक अस्थमा का ट्रिगर बन जाता है. उसमें बहुत अच्छी तरह से डस्ट माइट्स मोल्ड्स स्पोर जो मोल्ड्स के स्पोर हैं वो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. उनके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है तो वो होगा ग्रो होगा तो वो जल्दी जल्दी आपको एलर्जी हो. और मोल्ड्स इस इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब ग्रो होंगे और वो अपने मोल्ड के स्पोर्स उसके जो स्पोर्स हैं वो एयर में निकलने लग जाएंगे, वो अस्थमा के ट्रिगर बन जाएंगे, डस्ट के माइट रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और वो एरोसोलाइज होंगे, आपको इनहेल करेंगे, अस्थमा को ट्रिगर करेंगे. तो एसी जो है वो दोनों काम करता है, ठंडा भी रखता है और साथ में ह्यूमिडिटी को कम करता है, इनडोर ह्यूमिडिटी को वो कम करता है, इसीलिए वो इन अस्थमा के ट्रिगर को कंट्रोल करता है. अब ये भी इशू आता है, कुछ लोग कहते हैं सर ये तो ह्यूमिडिटी बहुत कम कर देता है, एयर को ड्राई कर देता है, स्किन को ड्राई कर देता है. ट्रू, इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी इंडोर घर के अंदर ह्यूमिडिटी को आपको 30-50% के बीच में रहनी चाहिए, रखनी चाहिए. खासकर अगर आपको कोई भी फेफड़ों की बीमारी है, लंग की बीमारी है, कोविड हो चुका है, ऐसे कंडीशन में 30-50% ह्यूमिडिटी. सो टेक्निकली स्पीकिंग एयर कंडीशंस अच्छे हैं, वो हवा को ठंडा रिफ्रेशिंग रखते हैं, ह्यूमिडिटी कम रखते हैं, एयरबोर्न ट्रिगर्स कम रखते हैं, बाहर से धूल मिट्टी नहीं आने देते हैं और वो अस्थमा के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं. मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके फिल्टर जो हैं वो रेगुलरली साफ हो, रेगुलरली क्लीन हो, उसमें मोल्ड या फंगस ना लगे. दिस इज हाउ एसी इज. सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एसी के बारे में जानने के लिए. इसको शेयर करें ताकि लोग जानें. और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.